और बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है कि चंडीगढ़ जैसा शहर जिसे कि सबसे सुशिक्षित शहरों में गिना जाता है, वहां के नगर निगम में होने वाली कोई भी हाउस मीटिंग बिना किसी हंगामे के संपन्न नहीं होती। हर बार नगर निगम हाउस मीटिंग का ज्यादातर समा बयानबाजी और बहसबाजी में ही निकल जाता है। इस बीच जनता के अहम मुद्दों पर सही ढंग से विचार विमर्श किए जाने की बजाय कई पार्षद तो हंसी ठिठोली ही करते दिखाई देते हैं, जो कि इस बार की हाउस मीटिंग के दौरान भी आरोप प्रत्यारोप के दौर के चलते पार्षद जसवीर सिंह बंटी ने उनके वार्ड में होने वाले जरूरी विकास कार्यों पर ध्यान न दिए जाने के चलते नगर निगम अफसरों पर आरोप लगाया कि मेरे बार बार कहने जाने के बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगती। जब जनता नगर निगम को टैक्स के रूप में लाखों रुपए दे रही है तो उन्हें उचित सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शहर में होने जा रही गली क्रिकेट को लेकर भी आप पार्षद प्रेम लता और कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गाबी द्वारा मुद्दा उठाया गया कि जब नगर निगम शहर में होने वाली गली क्रिकेट में अपना पूर्ण सहयोग दे रहा है तो इसके चलते शहर के प्रथम नागरिक और सांसद को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। चंडीगढ़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। कुल जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जानी चाहिए, वो किसी भी वार्ड से हो, किसी भी पार्टी से हो, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि एमसी के अंदर नहीं, ये एडमिन के भी अंदर ये हमारी बातें रखी जानी चाहिए। वहां पर भी जो वो तानाशाही से अपने रूल लागू कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है, वो उनका इंडिविजुअल अपना फैसला है। बीबीसीआई का अपने एक ब्रांच है, यूटीए यूटीसीए जो अपने क्रिकेट एसोसिएशन है, उसमें वो किसे इन्वॉल्व करते हैं किसे नहीं, उसमें तो मैं क्या ही विचार करूंगा। वो तो उनका बखूबी जो बयान है वो संजय टंडन जी दे सकते हैं। लेकिन जो मुझे संज्ञान में आया कि हाउस के माध्यम से कि पिछले वर्ष जब गली क्रिकेट हुआ तो उसमें किरण खेर जी का नाम था, अनूप गुप्ता जी का भी नाम था, और ये जो खेल की प्रतिभा है ये राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ था तो उन्हें कर लेना चाहिए था। द्वेष भावना एक राजनीतिज्ञ हो सकती है। मैंने जैसे पहले ही बताया सबको कि मैंने पिछली हाउस मीटिंग में भी ये मुद्दा उठाया था कि जो मेरे वार्ड के काम है, एजेंडे हैं, वो पास नहीं हो रहे। उसके बाद कुछ अफसरों ने राय कही कि जब तक आपके एस्टिमेट्स नहीं आते तो कैसे करेंगे। मेरे एस्टिमेट्स बने हुए थे, शायद अफसरों को नॉलेज में नहीं होगा। उसके बाद मैं एस्टिमेट्स लेके बिल्डिंग्स रोड के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास गया, पब्लिक हेल्थ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास गया। उनको बताया सर ये जब छत्ती मार्केट का टॉयलेट्स का मेरा 4 महीने से आपके डिवीजन में पड़ा है, इसको देख लीजिए, 42 सेक्टर में स्टॉर्म वाटर का है, काफी देर से मुद्दा पड़ा है, पिछले साल से मैं चला रहा हूँ कि मेरा इसमें इसके एस्टिमेट है।